शमशेर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। गाजियाबाद गैंगरेप मामला निकला फर्जी। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का किया खुलासा। आईजी प्रवीण कुमार का कहना, गैंगरेप जैसी कोई वारदात तो ही नहीं हुई है। जिन पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंद नगरी की महिला गैंगरेप मामले को पुलिस ने षड्यंत्र बताया है। प्रॉपर्टी के विवाद में महिला ने योजना बनाई थी। महिला के दोस्त आजाद सहित गौरव अफजाल अवतार आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार ने बताया कि गैंग रेप नहीं हुआ है। जिन पर आरोप लगी उनके खिलाफ नहीं मिला कोई साबूत। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार, रिपोर्ट संवाददाता राशि की रिपोर्ट। ऐसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहाँ पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग की पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफर किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर GTB हॉस्पिटल में जाने की, क्योंकि वो पहले से वहां से भिग रही है या जो भी कारण है, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस SIT के रूप में जो इनकी SP क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पर तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहाँ पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके दो दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पर कार्य किया, तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये का परिचित है आज़ाद, जब इसके मोबाइल और इसके सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये इनके कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई, तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई, और खासतौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि दो अन्य, ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरोबरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले, तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को प्रशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है, तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, और उसमें जो भी लोग दोषी हैं साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम
कार्रवाई कर सके। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है बहुत अच्छा, और खास तौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियां, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से उनके द्वारा वार्ताएं भी की गई, और सारी चीज़ें निकालने के बाद इसमें अभी तक तीन व्यक्ति जो हैं इसमें जो मैंने बताया इसके साथ वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहाँ पर छोड़ा गया था वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है। अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है क्योंकि इस प्रकरण में अलग अलग तरह से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। नॉर्मली हम लोग विवेचना के क्रम में बीच में इसमें पीसी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो इसलिए ये औचित्यपूर्ण पाया गया कि इसमें ये फिलहाल जो तथ्य हैं अभी तक जो वैज्ञानिक साक्ष्यों से संतुष्ट हैं वो आपके समक्ष रखे जा सके। अभी इसमें और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसको लॉजिकल एंटर लेके जाएंगे। मैंने बताया कि किस तरह से षड्यंत्र करके ये स्थितियां उत्पन्न की गई, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जहां से लिया गया उसके बारे में भी, जो फॉरेन मटेरियल जो उसके बारे में भी हमने साक्ष्य संकलित किए। अब बाकी चीजें हम लोग निश्चित तौर पर इसको